इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले एमएलए साहब का शुक्रिया तो हमारे इस एरिया में आया था। आप आकर के 2018 से आप मुंतखब किए गए। हमारे साथ खुशकिस्मती है कि बूढ़ा कमिश्नर साहब भी है, एमएलए साहब भी है। बहरहाल सर, बेलगाम शहर का एक स्मार्ट सिटी के तहत काम शुरू है, लेकिन 2018 से हम असद खान सोसाइटी हो, उज्जवल नगर हो, अमन नगर हो, यहाँ पर हर साल पानी आता है बारिश में। आप आते हैं, खैर ये तो आपका खैर मकदम और आपका शुक्रिया और यह बड़प्पन है, आपने तमाम कामों बताया, लेकिन काम इम्प्लीमेंट नहीं होता, रुक जाता है, उसकी वजह क्या है? नहीं, इसके पहला तो एक बार मैं चुपचाप आके गया था, उसके बाद हम लोग पैसा ना लें। ये मुझे लगता है कोरोना की वजह से रहेगा, या आपको फंड डाला नहीं रहेगा, लेकिन जब परसों आएंगे तो किसी भी हालत में इसको हम लोग रुका नहीं देते, नहीं एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऐसी आपके मन में जो बात है होने को देते नहीं। तीसरी बात है, कमिश्नर साहब हमारे आपके सामने कौन से बुढ़ा के जो जिम्मेदार ने आज अपने उन्होंने लिखा से वहाँ से आगे यहाँ आ नहीं सकते। यहाँ के लिए मैं कमिश्नर के साथ आपके साथ बैठक करूँगा 11 बजे। उस आप जो बात करें वही बात उधर कीजिए, उसमें क्या नहीं है, नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, वो भी सच बात है। लेकिन जब हम लोग अधिकारी बढ़ते हैं तो ऐसे खुले में बात करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? सब सबको समझना चाहिए, मुझे समझ के फायदा नहीं। तो उधर आके बात कीजिए, उसका जो है आप बात उसमें वजन है, उसका इस्तेमाल करेंगे प्रेशर डाल के किसी भी हालत में। तुम्हें बोल रहे वैसा है, मुझे आपको रिक्वेस्ट है कि ये जो काम चलता है उसको फॉलो करना चाहिए। अभी कैसा होता है, ये वैक्सीनेशन है, जो ऑफिस में आता है वो लेके जाता है। अभी 1-2 हज़ार आएगा, जो आता है खींच के लेता है, जो आता है खींच के लेके जाता है, जो आता नहीं उसको मिलता, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए शॉर्टेज है, नहीं मिल रहा है, ये एक रीजन बोल रहा हूँ। ऐसा है, तुम्हें आज पीछे आज पीछे लगे आज आ गए, परसों जब आएंगे तब कमीशन के साथ बात हो जाएगी। मैं नहीं तो भी आप कमीशन के साथ बात करके किसी भी हालत में काम होना और एग्जीक्यूट होना। एक आखिरी बात है कि यहाँ पर अतराप में जितने भी लोग हैं, जितने भी मोहल्ले एरियाज हैं, उनके लिए यहाँ का जो किला तालाब का जो गार्डन है वो एक ही है जहाँ फैमिली के साथ घूम फिर सकते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो रुका हुआ है, वहाँ पर गैर कानूनी कामें चल रही है, लेकिन उस तरफ तवज्जो देने के लिए क्यों तैयार है? गैर कानूनी काम जो हो रहे हैं उसके बारे में मैंने पुलिस कंप्लेंट देने को बताया था। तीसरी बात, जो युवा लोग हैं ये लोग उधर वो जो लाइट का काम है, बुरा मत मानो, वो लड़का आगे लाइट लगा रहा था, पीछे से लड़के लोग फोड़ते आ रहे, ये एक घंटा भी टाइम नहीं दिया, ये आगे लगा रहा है, इन्हें पीछे फोड़ रहे। पुलिस कंप्लेंट में गांजा चरस जो लफड़ा है उधर चल, पुलिस कंप्लेंट देने के बाद भी चलता नहीं, इसीलिए अभी दूसरा रास्ता क्या नहीं करके इसको पूरा कंपाउंड बना रहे। उसको 60 लाख कुछ है, वो भी है 5.5 फुट इसको ऑलरेडी डाले तो है, लेकिन कोरोना वजह से काम नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हुई, वैसा देखो तो 7.5 फुट के डाले थे उसको, लेकिन रीजनल कमिश्नर ने इसके अंदर बीच में आके ये 7.5 फुट का काम नहीं है, ये 4.5 या 5.5 फुट का काम है, करने के बाद उसको कम करे, इसीलिए वो पेंडिंग पड़ा था। बाद में मैं ये जो हमारा देश का फ्लैग है उधर आके कमिश्नर को दोनों को लिखे, पैसा लेना नहीं करके हम उसको वॉकिंग के लिए लगे थे, लेकिन जो थोड़ा एरिया है वो फ्लैग के पास उधर ऐसा हम लोग बना रहे कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ को टिकट लेना पड़े, लेकिन बाकी एरिया में फ्री वॉकिंग करना तो, इसीलिए गेट के अंदर 2 भाग करेंगे, एक फ्लैग के बाद जहाँ 10-15 रुपये टिकट लेके अंदर छोड़ना, और जो वॉकिंग का ट्रैक है वो फ्री जाना, ऐसी 2 चीज़ है। लेकिन अभी फ्री छोड़ने के बाद भी लोगों को फुकट खाना आपको मालूम है, उसको बुराई करता है,
कुछ तो 10 रुपए 20 रुपए दिए तो उसका कुछ तो महत्व होता है। अभी फ्री है करके उसकी हालत देखो। हमारे अनिल मेहते साहब और हमारे रसलापुर साहब और हेरेबर सर और नाइक साहब का हमें बहुत ही अपने दिल के अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक्स अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकालकर हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक्स।